हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जमशेदपुर टू रांची के लिए टिकट बुक करूंगा, वो भी एसी टिकट और अपने मोबाइल से ही। आपको बस स्टैंड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से टिकट को बुक कर सकते हैं। यानी जमशेदपुर टू रांची वो भी 270 रुपये में एसी बस में आप जाओगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि रेड बस पर अपना कैसे अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि आज जो मैं टिकट बुक करूँगा रेड बस एप्लीकेशन की मदद से ही टिकट बुक करूँगा। तो यहाँ पर चलिए हम अपना रेड बस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का रेड बस का एप्लीकेशन खुलेगा। खुलने के बाद में जो इंटरफेस रहेगा यहाँ पर इस तरह का है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगा यहाँ पर कि आप घर बैठे ऑनलाइन कहीं का भी ऑल इंडिया का टिकट काट सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर टाटा नगर जमशेदपुर जो भी है ये सेलेक्ट कर लिया और मुझे जाना है रांची, तो मैंने रांची सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपको नाम ऊपर सर्च करना और आपको नाम आ जाएगा, सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर देखिए दोनों नाम आपने सर्च कर लिए, अपने जगह का लोकेशन है कहाँ से कहाँ तक जाना है। उसके बाद टुडे एंड टुमारो, अगर आज का बस चाहिए तो टुडे पर क्लिक करना है और कल का बस चाहिए तो टुमारो पर क्लिक कर देना है। टुमारो यानी क्लिक करने के बाद में यानी जितना अभी बस है, देख सकते हैं नीचे 24 बस दिखा रहा था, 24 बस आपके लिए अवेलेबल है। तो लेकिन मेरे दोस्त को जो टिकट चाहिए उसे कल का चाहिए, वो 2 बजे के टाइम पर, यहाँ पर सबसे ऊपर में जो 2 बजे का टाइमिंग दिखा रहा है तो ये टिकट दिख रहा है हमारे पास। इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको टिकट शो कर रहा है यहाँ पर। तो ये टिकट मैं बुक कर रहा था, ये वाला, तो ये ऑलरेडी बुक हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं तुरंत ही बुक हो चुका है। तो हम ये वाला बुक कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप 270 रुपये दिखा रहा है, तो हमें सिंपली करना क्या है, डन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि सीट भी आपको अपने हाथ से सेलेक्ट करने मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पर एक बार आप यहाँ पर खिड़की किनारे भी देख के नज़ारा ले सकते हैं। तो एसी बस में फ़िलहाल तो खिड़की खुलती नहीं है, लेकिन खिड़की के बाहर आप देख सकते हैं। इसके लिए ये मैंने खिड़की किनारे वाला ले लिया जो बेस्ट सीट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 270 रुपये दिखा रहा है, हम डन पर क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मानगो बस स्टैंड से जो जमशेदपुर का मानगो बस स्टैंड है वो सेलेक्ट कर लिया। ड्रॉपिंग यानी आपको रांची में पटेल चौक पर ड्रॉप करेगा, तो यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, जिसका जो जर्नी कर रहा है उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल लेता हूँ, जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ उसका कॉन्टैक्ट नंबर। देख सकते हैं यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट नंबर ले रहा हूँ, यहाँ से इस तरह कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो देख सकते हैं मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर पैसेंजर का नाम डालना है, तो नाम डालना है, उसका नाम है नीतीश, नीतीश दास, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है मेल, और एज 26 है। और उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना, नो डोंट इंश्योरेंस ये नहीं चाहिए आपको। सीट नंबर भी आपको शो कर रहा है, आपका नाम भी हो गया, एज भी हो गया, और यहाँ पर आपको आना है नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था, बहुत चंद मिनटों में आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 270 टिकट था, लेकिन 283 दिखा रहा है 50 रुपये पैसा। तो 13 रुपये 50 पैसा ये रेड बस अप्लीकेशन आपका चार्ज लेता है, क्योंकि दोस्तों आप भी कहीं जाओगे टिकट बुक करें थोड़ा तो खर्चा होगा, या तो पेट्रोल जलेगा या तो ऑटो से जाओगे तो खर्च होगा ही। तो और लंबी लाइन में लगना अलग ही दिक्कत है, और वहाँ जाओगे तो आपको मनपसंद आपका सीट नहीं मिलता है। तो चलिए यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन आ चुका है, तो पेमेंट ऑप्शन में आपको गूगल पे मिलता है और यूपीआई मिलता है और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब कुछ मिलता है। तो मुझे यहाँ पर से पेमेंट करना है गूगल पे से, तो सिंपली हम गूगल पे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें पेमेंट के लिए अनदर पेज पर लेके जाएगा जो कि गूगल पे का होगा, जिसपे अपना हम पासवर्ड डाल के हम अंदर लॉगिंग हो जाएंगे और हमें बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो हम अपना बैंक सेलेक्ट करके प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद में हमें अपना पासवर्ड डाल के बस ओके कर देना है। देन यहाँ पर हमारा ये पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है बहुत ही सिंपल वे में। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पेमेंट भी सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा टिकट भी कंफर्म हो चुका है, क्योंकि पेमेंट होने के बाद समझ लीजिए कि आपका टिकट भी कंफर्म हो चुका है। देख सकते हैं टिकट कंफर्म का मैसेज आ गया हमारे पास स्क्रीन पर, और ये रहा हमारा टिकट। तो इस टिकट को हम आराम से इजीली शो कर सकते हैं, या तो हमारा
जो भी व्हाट्सएप पे ये अभी चला गया होगा जिसका मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उसका व्हाट्सएप पे चला जाएगा और आप सीधा अपने मोबाइल से दिखा के टिकट अपना जर्नी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लेके आते रहता हूँ आप सभी के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। धन्यवाद।